वीके न्यूज़, राष्ट्र के नाम। देशद्रोही के बारे में फिर कहता हूँ, मैं पुनः कह रहा हूँ, बार बार कह रहा हूँ, देशद्रोही वह होता है जो देश के टुकड़े करवा दे, और ये कार्य तथाकथित बापू ने किया है। नमस्कार, वीके न्यूज देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ चेतन पाठक। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को लेकर काली चरण की बदजुबानी का मामला अब तक शांत नहीं हुआ है। जगह जगह केस दर्ज हुए हैं, उन्हें गिरफ्तार कर जेल भी भेज दिया गया है। अब नरसिंहपुर में भगवत कथावाचक तरुण मुरारी बापू ने महात्मा गांधी को लेकर विवादित बयान दे दिया है। उसने कहा कि जो राष्ट्र के टुकड़े कर दे वह राष्ट्रपिता कैसे हो सकता है, मैं उनका विरोध करता हूँ, वह देशद्रोही है। देशद्रोही के बारे में फिर कहता हूँ, मैं पुनः कह रहा हूँ, बार बार कह रहा हूँ, देशद्रोही वह होता है जो देश के टुकड़े करवा दे, और ये कार्य तथाकथित बापू ने किया है। इस देश के टुकड़े किए हैं, उन्होंने कहा था कि मेरी लाश के ऊपर से भारत के टुकड़े होंगे, और वो टुकड़ा उनकी आंखों के सामने हुआ है। तो देश के जो टुकड़े करवा दे, कोई भी हो, आप, मैं या बापू। नरसिंहपुर में स्टेशनगंज पुलिस ने तरुण मुरारी बापू के खिलाफ आईपीसी की धारा 153, 504, 505 के तहत केस दर्ज किया है। सोमवार को छिंदवाड़ा रोड के स्थित वीरा लॉन में श्रीमद् भागवत कथा के दौरान तरुण मुरारी बापू ने यह विवादित बयान दिया, जिसके बाद से ही हर ओर गर्मा गर्मी हो गई है। हालांकि तरुण मुरारी बापू अभी भी अपनी बात पर अड़े हुए हैं। अब इसके बाद भाजपा की तरफ से कहा जा रहा है कि जो देश विरोधी नारे खुलेआम लगाते हैं उनके साथ राहुल गांधी खड़े दिखाई देते हैं। इस खबर में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों को जानने के लिए देखते रहिए वीके न्यूज। ये है ड्रीम मीडिया नेटवर्क और आप देख रहे हैं देश का पहला 24/7 डिजिटल न्यूज चैनल, वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।